का जाना माना नाम है। उन्होंने भोजपुरी में अपनी अदाकारी से समझ लीजिए जिस तरीके से गाना गाकर भी वहां इस कदर कदम जमा लिए हैं कि आज उनके करोड़ों चाहने वाले हैं। अक्सर ही आपने उनकी पर्सनल लाइफ की वजह से और प्रोफेशनल लाइफ की वजह से भी सुर्खियों में वो बने ही रहते हैं, हमेशा उनकी बातों को सुना होगा। इसीलिए उन्हें अब साल 2024 के लोकसभा चुनाव में भी उतारा जा रहा था। पवन सिंह को आसनसोल का उम्मीदवार भी घोषित कर दिया गया, लेकिन 24 घंटे के भीतर ही उन्होंने चुनाव से अपना नाम वापस ले लिया। मेरे शरीर में बंगाल का नमक है। अध्यक्ष जी से हमारी बात हो गई, हमने अपनी बात रख दी है। वो व्यक्तिगत कारण से इलेक्शन नहीं लड़ना चाह रहे हैं और हम उनका सम्मान करते हैं इच्छा का। पवन सिंह जैसों को टिकट देते हैं, कुछ भी कर लें, कोई भी नाम अनाउंस करें, कितने लोगों का टिकट काटे। भोजपुरी स्टार पवन सिंह, इसीलिए पश्चिम बंगाल के आसनसोल से बीजेपी के लोकसभा टिकट को पवन सिंह ने विनम्रता से लौटा दिया। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से एक घंटे की लंबी मुलाकात के बाद पवन सिंह बोले, जो होगा अच्छा होगा। अध्यक्ष जी से हमारी बात हो गई, हमने अपनी बात रख दी है, आगे जो भी होगा अच्छा होगा। अब ये समय बताएगा, थोड़ा कुछ भी होगा हम आप लोगों से शेयर जरूर करेंगे, अभी थोड़ा होल्ड रखिए। सियासी फिजाओं में ऐसी खबरें तैर रही हैं कि पवन सिंह अपने गृह जनपद आरा से टिकट चाहते हैं, क्योंकि वहां उन्हें भरोसा है कि कम मेहनत से भी जीत मुमकिन है। लेकिन आसनसोल में जीत आसान नहीं। उनकी पहली पसंद थी आरा लोकसभा सीट से चुनाव लड़ना, जो कि उनका गृह जिला भी है। लेकिन ऐसे में अब सवाल ये उठता है कि क्या इतनी फजीहत होने के बाद बीजेपी आर के सिंह जैसे वरिष्ठ नेता का टिकट काट कर क्या पवन सिंह को वहां से उम्मीदवार बनाएगी। सूत्रों से ऐसी भी खबरें आ रही हैं कि पवन सिंह के आसनसोल से चुनाव नहीं लड़ने के फैसले के बाद बीजेपी वहां से भोजपुरी अभिनेत्री अक्षरा सिंह पर दाव लगा सकती है। पश्चिम बंगाल की आसनसोल सीट से चुनाव लड़ने से इनकार करने वाले पवन सिंह ने आज पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात कर अपना पक्ष भी रखा और आरा सीट पर अपना दावा भी ठोक दिया। चलते चलते पवन सिंह ने आसनसोल सीट से अक्षरा सिंह को चुनाव लड़ाने का सुझाव भी दे दिया है। अब देखना यह है कि पार्टी पवन सिंह और अक्षरा सिंह के राजनीतिक भविष्य पर क्या फैसला लेती है। भोजपुरी अभिनेत्री अक्षरा सिंह भी सोशल मीडिया पर काफी लोकप्रिय हैं। आज तक के मंच पर जब अक्षरा सिंह आई तो उन्होंने अपने गानों से समा बांध दिया। हृदय से राम धुन गाओ, श्री राम जय 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 श्री राम। हृदय से राम धुन गाओ, प्रभु श्री राम आए हैं। बीजेपी ने 2 मार्च को अपनी पहली लिस्ट में 195 प्रत्याशियों के नाम का ऐलान किया था, जिसमें आसनसोल से पवन सिंह का नाम भी था। पहले तो पवन सिंह ने बीजेपी आलाकमान का आभार जताया कि उन्हें आसनसोल से पार्टी ने मौका दिया। नरेंद्र मोदी जी जो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी हैं, उनके कार्य को, उनके विकास को देश देख रहा है, दुनिया देख रहा है, और मैं पार्टी का सिपाही हूं, मुझे उसी विकास के साथ हूं और मुझे भी मेहनत करना है। लेकिन एक दिन के भीतर ही पवन सिंह का मन बदल गया और उन्होंने ट्वीट करके आसनसोल से चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया। पवन सिंह ने बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा को टैग करते हुए सोशल साइट एक्स पर लिखा, भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का दिल से आभार प्रकट करता हूं। पार्टी ने मुझ पर विश्वास करके आसनसोल का उम्मीदवार घोषित किया, लेकिन किसी कारणवश मैं आसनसोल से चुनाव नहीं लड़ पाऊंगा। पवन सिंह के आसनसोल से टिकट वापसी पर विपक्ष जहां बीजेपी पर चाल, चरित्र और चेहरे के नाम पर तंज कस रहा है, वहीं बीजेपी इसे निजी मामला बताकर पल्ला झाड़ रही है। सिर्फ विपक्ष पे नजर रखने के लिए सारी एजेंसी जिनको आप टिकट दे रहे हो, उनका महिलाओं के बारे में जो भोंडे वीडियो है, क्या प्रधानमंत्री को नहीं जानकारी थी उन भोंडे वीडियो की? एक तरफ संदेश खाली का मुद्दा भाजपा उठाती, दूसरी तरफ पवन सिंह जैसों को टिकट देते हैं। कुछ गानों में बंगाली लोगों को थोड़ा सा हार्ट लगा, जो बहुत ही अब्यूसिंग था, मैं मानता हूँ, तो इसके कारण शायद उनका दिमाग में कुछ साइकोलॉजिकल बैरियर तैयार हो सकता है, इसके कारण ना कर दिए हैं।
उधर आसनसोल में पवन सिंह के नाम वापसी पर लोगों की मिली जुली प्रतिक्रियाएं आ रही। कुछ लोग निराश हैं तो कुछ लोग इससे खुश दिखाई दे। हम चाहते हैं लोकल व्यक्ति खड़ा हो ताकि सारे इश्यूज से वो अवगत ऑलरेडी हो और उनके पास एक मास्टर प्लान ऑलरेडी हो कि किस तरह हम इसे ओवरकम कर सकते हैं। तो इससे अब बीजेपी वाले को कैंडिडेट को डर हो गया है कि खड़ा वहीं पे होना चाहिए था जहां हमारा ठीक ठाक है। तो पवन सिंह भाग गए हैं यहां से क्योंकि जब पैदा होता है बच्चा तब से लेकर के मौत तक ममता बनर्जी का पूरा स्कीम है, स्वस्थी है, बूढ़ा का पेंशन है, बहुत सारा स्कीम है, 72-73 स्कीम चल रहा ममता बनर्जी का, जिसके वजह से वो इतना स्कीम देख करके वो भाग गए हैं। उधर आसनसोल के मौजूदा टीएमसी सांसद शत्रुघ्न सिन्हा कह रहे हैं कि बीजेपी यहाँ कितनी बार भी चेहरे बदल ले लेकिन आखिरकार उसे हार का सामना ही करना पड़ेगा। फैसला जो किया है लड़ने का नहीं लड़ने का ये उनका या उनकी पार्टी का अपना अंदरूनी मामला है, इंटरनल अफेयर है, इस पे मैं कोई कमेंट करने वाला है, दखल अंदाजी देने वाला कौन। अपने गानों से लोगों का दिल बहलाने वाले पवन सिंह भी कंट्रोवर्सी के बाद सोच में पड़ गए जो उन्हें पसंद नहीं करते और टीएमसी वाले कह रहे हैं कि आसनसोल के अंगने में पवन सिंह जैसों का क्या काम।